can you see the moon? Moon. ये रहा, ये देखो मून. ओह स्ट्रीट लाइट है. Can you see the moon there? लाइट तो नहीं हो. Wait, let me lift the camera. इधर ये यार ब्लू है. ये तो नॉर्मल है, डेली जैसा होता है, आई थिंक वैसा ही है बिल्कुल. नाउ यू कैन सी द मून क्लियरली. तो भाई ये रहा चंद्र ग्रहण आज का. सो हे गाइस, दिस इज़ गैबी योर फेलो. और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे चंद्र ग्रहण के बारे में. चंद्र ग्रहण मतलब फुल मून, या फिर निशु क्या होता है और अमावस्या की रात. अमावस्या की रात ये नहीं होती वे, उस दिन भूत निकलते हैं. भूत वाली फील मैं आपको दिखाता हूँ. इधर आएगी आपको भूत वाली फील. ये देखो इधर इधर अंधेरा. वेल बेसिकली चांद तो आपने देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक चीज़ के बारे में. मुझे एक आया यहाँ पे कमाल का मैसेज. तो मैसेज ये बोलता है कि आज रात को मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ बेसिकली मैसेज क्या है यहाँ पे. टुनाइट एट 12:30 to 3:30 मेक श्योर टू टर्न ऑफ द फोन सेलुलर टैबलेट एक्सेट्रा एंड पुट अवे फ्रॉम योर बॉडी बिकॉज सिंगापुर टेलीविजन अनाउंस द न्यूज लाइक एंड ब्ला 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 ब्ला. तो बेसिकली मैसेज यहाँ पे ये बोलता है कि आज रात को अपने प्लैनेट के पास से मतलब अर्थ की तरफ से कॉस्मिक रेडिएशन जाएगा. ये देखो भाग रहा है कॉस्मिक रेडिएशन से करके. तो यहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये मैसेज सच है या नहीं है, मतलब आज रात को सही में मोबाइल फ़ोन बंद करना है या नहीं करना है, या क्या स्टेप लेना है. तो मैसेज ये बोलता है कि आपको 12:30 to 3:30 तक मोबाइल फ़ोन बंद रखने हैं, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन है, नहीं कॉस्मिक रेडिएशन है, वो पास ऑन होगी अर्थ से और उसकी वजह से आपके फ़ोन हो सकते हैं ब्लास्ट और आपको हो सकता है बहुत सारा डैमेज. और फ़ोन की वजह से डैमेज होगा तो यहाँ पे यार थोड़ी सोचने वाली बात आती है. तो मैं यहाँ पे थोड़ी टेक्निकलिटी में जाता हूँ. कॉस्मिक रेडिएशन जो है वो अर्थ से पास होती है, और वो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ आज के दिन पास होगी या आज कोई ग्रहण लगा है इसलिए पास होगी. ये हर दिन पास होती है, और इनफैक्ट हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको डेली झेलते हैं. लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हमारे अर्थ में जो स्फीयर होते हैं अलग अलग, उसमें एक होता है मैग्नेटोस्फीयर. तो मैग्नेटोस्फीयर यहाँ पे क्या करता है कि वो जो रेडिएशन है उस पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर है वो कॉस्मिक रेडिएशन को बहुत हद तक रिड्यूस कर लेता है, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है. तो यहाँ पे ऐसा कोई सवाल है ही नहीं कि जो कॉस्मिक रेज है वो धरती पर आए और आपको कोई डैमेज पहुँचाए. और इनफैक्ट अगर मोबाइल से बात करें कि मोबाइल से क्या कनेक्टिविटी है, तो उसकी कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज वो मतलब नॉनसेंस वाली बात है बिल्कुल कि कॉस्मिक रेडिएशन आएगी और उससे अगर कुछ डैमेज होता भी है तो वो होगा आपके मोबाइल के थ्रू. ये कमाल की बात है. चलिए न्यूज़ क्लेम करती है कि आप यहाँ पे गूगल के थ्रू जाके या फिर आप बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ के थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हो कि जो न्यूज़ है वो सही है कि नहीं. तो यहाँ पे मैं गया गूगल पे भी, और इनफैक्ट मैं अभी जाता हूँ आपके सामने, मैं दिखाता हूँ. ओके तो गूगल खोल लिया. ओके और यहाँ पे लिखते हैं कॉस्मिक रेडिएशन बीबीसी 12:30. ठीक है ओके ये आ गया लिंक. यहाँ पे एक आर्टिकल है वर्ल्ड प्रेस पे है ये. चलिए ये पढ़ लेते हैं क्या कहता है ये. तो ये आर्टिकल यहाँ पे क्लेम करता है कि भाई ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं, और ऐसे होक्स जो हैं, होक्स बेसिकली क्या होता है कि जो फेक मैसेज होते हैं या फेक र्यूमर होते हैं. इनफैक्ट जो मैं यहाँ पे कह रहा था बात बिल्कुल वही है कि ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है. आपको कोई भी मोबाइल डिवाइस बंद करने की ज़रूरत नहीं है. और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि न्यूज़ जो क्लेम करती है वो बोलती है कि जो कॉस्मिक रेडिएशन है वो आ रही है प्लैनेट मार्स से. लेकिन बात करें अगर किसी प्लैनेट की, तो कोई भी प्लैनेट कभी भी कॉस्मिक रेडिएशन नहीं फेंक सकता, क्योंकि कॉस्मिक रेडिएशन वहीं से निकलता है जहाँ पे फ्यूज़न या फिजन का रिएक्शन होता है. और मोस्टली आपको देखने को मिलता है, हम बोले तो किसी सन में मिलता है या फिर स्टार से कॉस्मिक रेडिएशन निकलता है. लेकिन बात करें प्लैनेट से, तो वहाँ से यार कॉस्मिक रेडिएशन की कोई बात सामने नहीं निकलती है. तो मतलब ये पूरी फेक न्यूज़ है यार, इस पर कोई भरोसा करने वाली बात नहीं है. तो सारी बात मिला जुला के ये है कि ऐसी कोई न्यूज़ पे भरोसा करने से मतलब नहीं है, और आपको डिवाइस बंद करने की ज़रूरत नहीं है. क्या पता मतलब यार ये जो मैसेज है इतना स्प्रेड होता है आजकल, क्या है कुछ भी फेक मैसेज स्प्रेड होता रहता है, और बिना सोचे समझे लोग बिना रिसर्च किए उसको फास्ट फॉरवर्ड करते रहते हैं, भेजते रहते हैं किसी ना किसी को कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. और यहाँ पे दिक्कत क्या निकल के आती है कि यार बहुत सारे लोग ना बिना रिसर्च करे उस चीज़ पर भरोसा कर लेते हैं. तो अल्टीमेटली बात करें ये कॉस्मिक रेडिएशन की, तो पहली बात आप सिंपल से समझ लो कि कोई प्लैनेट कॉस्मिक रेडिएशन कभी नहीं फेंक सकता. कॉस्मिक रेडिएशन अगर आता भी है धरती पे, तो भाई वो आप तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि हमारी धरती इतनी पावरफुल है. हमारा जो मैग्नेटोस्फीयर है, मतलब हमारी धरती का जो एक कवच है हिंदी में बोलूँ तो, वो इतना पावरफुल है कि यार वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा.
तो उम्मीद करता हूँ आपने चंद्र ग्रहण देखा होगा और जो जो होती है फॉर्मेलिटीज़ वो सारी करी होंगी, इतना तो पता नहीं है मुझे। लेकिन इसके साथ ही चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, यही मैसेज पास ऑन करना था। आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।